हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टू संघर्ष आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक काफी दिनों से न्यूज में चल रहा है स्पेशली हमारे एनसीआर रीजन के लिए दिल्ली रीजन के लिए कि कैसे वहां पे बहुत ज्यादा फॉग जो है देखने को मिल रही है आप सबको पता होगा कि कैसे जो है फॉग के कारण हम सर्दियों में बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी जो है देखने को मिलते हैं वैसा ही एक एक्सीडेंट आगरा एक्सप्रेस वे पे हुआ जहां पे छह गाड़ियां आपस में टकराई इनफैक्ट हमें कैजुअलिटी देखने को मिली काफी लोग इंजर्ड भी हैं और ऐसी ही बहुत सारी न्यूज अभी थोड़े टाइम पहले लुधियाना के पास भी ऐसा कुछ हुआ था जहाँ तकरीबन फिफ्टी टू हंड्रेड गाड़ियां आपस में एक ही जगह पे टकरा गई थी तो ये सारा कुछ काफी टाइम से न्यूज में चल रहा है फॉग के कारण बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं तो इसीलिए हमारे लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि फॉग एक्चुअल में बनती कैसे है फॉग से रिलेटेड फॉग की टाइप्स क्या होती है इसमें और स्मोक में डिफरेंस क्या है ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है और नहीं तो अगर जैसे इंटरव्यूज वगैरह में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो इसीलिए हम इस टॉपिक को आज यहाँ पे अच्छे से कवर करने वाले हैं तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो तो सबसे पहले बात करते हैं कि वॉट हैपेंड तो एक्चुअली में हुआ क्या यहाँ पे बहुत ज्यादा जो फॉग है वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे देखने को मिली जिससे एक मैसिव एक्सीडेंट हुआ उनाओ के पास में बेन्सडे मॉर्निंग को यहाँ पे एक पर्सन की डेथ होगी और तकरीबन ट्वेंटी फोर लोग जो हैं है इंजर्ड है ज्यादा ही ठीक है एटलीस्ट सिक्स व्हीकल्स आपस में को लाइट किए बहुत ज्यादा पुअर विजिबिलिटी थी ठीक है और सेंट्रल डिवाइडर के ऊपर ये जो कोलिजन है इसमें बहुत सारे क्रैशेस बैक टू बैक ऐसे गाड़ियां आपस में टकरा गई जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़े टाइम पहले लुधियाना के पास भी ये सब हुआ था तो वहां पे तो काफी ज्यादा गाड़ियां जो है आपस में टकरा गई थी नेक्स्ट इज फॉर्मेशन तो अब हम देखते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक्चुअल में जो फॉग है वो फॉर्म कैसे होती है तो अगर हम देखें विंटर्स में क्या होता है कि सन इतना ज्यादा हमें मतलब ऑब्वियसली सूरज इतना नहीं होता या अगर होती भी है तो उसका हीट इतना नहीं होता गर्मियों में क्या है कि लैंड बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है अगर हम नंगे पाऊ बाहर निकले तो हमारे पैरों पर छाले भी पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा गर्म होता है जो लैंड होता है तो अदरवाइज पर विंटर में ये जो सीनारियो है ना वो चेंज हो जाता है जो सन की हीट है वो इतनी ज्यादा नहीं पहुंचती सरफेस तक जिसकी वजह से जो लैंड है वो बहुत ज्यादा ठंडा रहता है तो ये यहाँ पे क्या है जो लैंड सरफेस है और वो रात के टाइम पे और भी ज्यादा ठंडा हो जाता है तो उससे क्या होता है कि जो सरफेस के पास वाली एयर होती है वो और भी ज्यादा कूल डाउन होना शुरू हो जाती है तो हम छोटे होते पढ़ते होते थे कि वाटर वेपर्स गर्मियों में जाते हैं ऊपर 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 और जैसे जैसे वो हाइट पे जाते हैं क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम होता जाता है तो वो कंडेंस होके क्लाउड फॉर्म करते हैं फिर ऊपर हम देखते हैं कि कैसे स्नो फॉर्म होती है वो सारी हम छोटे होते से पढ़ते हैं तो वही क्या होता है वही सेम चीज जो है वो अब अर्थ के सरफेस के पास ही होनी शुरू हो जाती है क्या होता है कि जैसे ही कूल cool होती है एयर वो अपने आप मॉइस्चर वो है होल्ड नहीं कर पाती तो ये जो वाटर वेपर होते हैं एयर में वो कंडेंस करना शुरू कर देते हैं और एक तरह से क्लाउड्स बनने शुरू हो जाते हैं लैंड के ऊपर ही इन द फॉर्म ऑफ फॉग तो ये क्या है कि फॉग uh, जो है ये कब बननी शुरू हो जाती है सुबह सुबह ही बननी शुरू हो जाती है जब टेम्परेचर अपने लोवेस्ट पे होता है और जैसे जैसे सन आता है तब ये फॉग जो है क्लियर होनी शुरू हो जाती है तो दिस इज हाउ जो फॉग है वो बनती है यहाँ पे जो विंड्स हैं वो बहुत ज्यादा काम होती हैं बहुत लाइट विंड्स होती हैं ज्यादा तेज हवाएं नहीं चलती जिसकी वजह से वो एक ही जगह पे जो एयर है वो स्टिल रहती है और फिर कंडेंस होती रहती है तो ये इस तरह से जो है हमारे यहाँ पे फॉग बनती है जैसे ही सन आता है वो फॉग चली जाती है ठीक है तो अब इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या है सबसे पहले आपको मॉइस्चर चाहिए

महीना हो गया और जनवरी का महीना हो गया यहाँ तो बहुत डेंस और लॉन्ग ऑफ फॉग जो है देखने को मिलती है इनफैक्ट नौ दस बजे तक भी जो है फॉग यहाँ पे ग्यारह बजे तक भी जो है फॉग से नहीं जाती जब तक सूरज नहीं आता तब तक फॉग जो है यहाँ पे इन नर्दन एरियाज uh, में हमें देखने को मिलती है तो अब बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ फॉग तो देखो ये क्वेश्चन से हट के अगर आपको एग्जामिनर सेक्टर है वो ये देखेगा कि वो आप जो है करंट की चीजों को लेके कितनी ज्यादा जो है आपके अंदर जिज्ञासा है आप उनके बारे में कितना जानना जानने की कोशिश करते हैं तो ये इसीलिए टाइप्स ऑफ फॉग भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो रेडिएशन फॉग सबसे पहले जिसे रेडिएशन फॉग या फिर इसे ग्राउंड फॉग भी कहा जाता है ये जो फॉग है ये लास्ट फॉर फ्यू मॉर्निंग्स कुछ ही मॉर्निंग्स के लिए रहती है ऑन अकाउंट ऑफ जहाँ पे बहुत काम विंड है बिल्कुल हवा बहुत कम चल रही है वेस्ट डिस्टर्बें disturb, uh, के कारण ये लोकलाइज्ड फॉर्म होती है ठीक है ये मतलब एक एरियाज में ही मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में ही हमें देखने को मिलती है जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है दिन में ये जो फॉक है ये गायब हो जाती है ठीक है तो ये नॉर्थ में हमें ज्यादातर जो है ऐसी फॉक देखने को मिलती है नेक्स्ट हो गया एडवेक्शन फॉक एडवेक्शन फॉक क्या है ये बहुत बड़े स्केल पे होती है ठीक है एरिया के मामले में भी और ड्यूरेशन के मामले में भी टाइम के मामले में भी यहाँ पे क्या है ये तब होती है जब वार्म और जो मॉइस्ट एयर है वो ठंडे सरफेस के ऊपर से पास करती है वाटर कंडेंस कर जाता है और देखो हमें हमने पढ़ा है कि जो एयर है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो है मूव करती है तो क्या होगा कि एक एरिया है जो कि बहुत ज्यादा ठंडा है जैसे ही उसके ऊपर से एक एयर मूव कर रही है विंड मूव कर रही है जो कि हॉट है या मॉइस्ट है जिसमें मॉइस्चर है ठीक है कंपैरेटिवली हॉट हम ये नहीं बोल रहे कि गर्म होगा जैसे ही वो इसके ऊपर से मूव करेगी वो यहीं पे कंडेंस होना शुरू हो जाएगी ऐस ऐसे ऐसे कंडेंस

तो वाटर बॉडी के ऊपर फॉग बनी हुई है और जैसे ही अगर हवा इस तरफ चलने लग गई तो ये ही फॉग ट्रांसपोर्ट हो जाती है लैंड के ऊपर भी तो ये थी हमारी एडवेक्शन फॉग नेक्स्ट इज वैली फॉग वैली फॉग क्या होता है इट इज रिजल्ट ऑफ माउंटेन्स प्रिवेंटिंग डेंस एयर फ्रॉम एस्केपिंग द फॉग इज ट्रैप्ड इन द बाउल ऑफ द वैली एंड कैन लास्ट फॉर सेवरल डेज अब ये क्या होता है जैसे हम सब देखते हैं कि पहाड़ों ये पहाड़ है और ये बीच में वैली है तो क्या पहाड़ों के आसपास हम हम ना वैसे भी अगर हम कभी हिल स्टेशन में घूमने जाए तो हमें ऐसा लगता है कि पहाड़ जो है वो क्लाउड्स के अंदर ही है तो ये, ये, ये फॉग होती है अब क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कूल होना शुरू होता है तो ये जो है वो हवा नीचे को चलनी शुरू हो जाती है तो जैसे ही ये हवा नीचे चलती है तो वो यहाँ पे ट्रैप हो जाती है और इसे वैली फॉग बोला जाता है तो ये जो माउंटेन्स के ऊपर से जब ये स्केप करके वैली में पहुंचती है यहाँ पे ट्रैप हो जाती है कुछ दिनों के लिए इसे बोलते हैं वैली फॉग नेक्स्ट आ गया फ्रीजिंग फॉग ये क्या होती है जब लिक्विड ड्रॉपलेट्स जो है सॉलिड सर्विस के ऊपर फ्रीज हो जाते हैं क्लाउड कवर्ड माउंटेन टॉप्स ऑफन सी फ्रीजिंग फॉग ठीक है tops, तो जहां पे हम ये बात कर रहे हैं कि पहाड़ों के ऊपर जो क्लाउड बन रहा है तो वहां पे फ्रीजिंग फॉग होते हैं दीज आर नॉट एप्लीकेबल टू इंडो कैंगेटिक रीजन्स तो ये हमें इंडो कैंगेटिव रीजन में नहीं मिलते हैं पहाड़ों वगैरह में ज्यादा हमें ये जो चीजें हैं देखने को मिलती हैं इसी के के साथ साथ अब हमारे लिए फॉग जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है स्मोक का तो यहाँ पे ये दोनों टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे फटाफट से खत्म करते हैं तो जो बेसिस है वो प्राइमेली जो फॉग है वो कंडेंसेशन के कारण बनती है बट जो स्मोक है वो एयर पोल्यूशन के कारण बनती है देखो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको बाइंड करने के लिए ना कुछ पार्टिकल चाहिए होता है तो एयर पोल्यूशन के टाइम वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इनके ऊपर जो आ, हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो इन पे बाइंड हो जाती है और फिर जो क्रिएट होता है वो स्मोग होता है इसमें पोल्यूशन भी है और फॉग भी है तो इसीलिए स्मोक प्लस फॉग इसे स्मोक बोला जाता है नेक्स्ट हम देखिये फॉग जो है वो टाइनी ड्रॉप वाटर ड्रॉपलेट से बनी होती है मॉइस्चर और वाटर वेपर से पर जो स्मोक है उसके अंदर स्मोक भी है पार्टिकल ऑफ पोल्यूशन भी हैं और हार्मफुल टॉक्सिन भी जो है यहाँ पाए जाते हैं कलर जो फॉग होती है उसका कलर वाइट हेज सा कलर होता है बट जो स्मोक होती है वो येलो ब्राउन हेजी कलर की होती है ठीक है हार्म लेवल्स देखें तो फॉग हमारे लिए एस सच ऐसे हार्मफुल नहीं है विजिबिलिटी लो हो जाती है एक्सीडेंट्स हो जाते हैं बट इनहेल करने में या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती बट जो स्मॉग है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हार्मफुल है उसे इनहेल कर अगर वहां पर आप इनहेल कर रहे हो तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा जो है हार्मफुल हो सकती है नेक्स्ट हो गया एयर पोल्यूटेंट फॉग के कारण कोई एयर पोल्यूशन नहीं हो रहा ये कोई एयर पोल्यूटेंट नहीं है बट जो स्मोग है वो हाईली पोल्यूटेंट है ठीक है तो इससे बहुत ज्यादा ये जो पोल्यूशन है ये हो रहा है इट इज इज इट अ केमिकल रिएक्शन तो जो फॉग है वो केमिकल रिएक्शन नहीं है ये जो है uh, किसी भी केमिकल रिएक्शन की वजह से नहीं बनता बट जो स्मोक है वो हाईली इसमें हार्मफुल केमिकल्स होते हैं ठीक है और यहाँ पे जो स्मोक केमिकली रिएक्ट करती है फॉग के साथ और ऐसे ही जो स्मोक है वो बनती है तो ये था हमारा टॉपिक आज का ऐसे ही uh, और टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए हम और भी ऐसा जरूरी कंटेंट न्यूज में से उठा के छोटे छोटे टॉपिक्स जो कई बार हम मिस कर देते हैं हर एक चीज पे हम फोकस करें ताकि कुछ भी अगर करंट से रिलेटेड आता है या कोई बार एग्जामिनर के दिमाग में चीज चल रही होती है और वो बस डाल देता है पेपर में तो ऐसा कुछ भी हम मिस ना करें ठीक है तो थैंक यू सो मच वीडियो में साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू